हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करूरस। वो भी यार, अगर इस करूरस को देख लेते हो इस पूरे वीडियो तो आपका जीवन भर गुलामी करेगा करूरस, क्योंकि इसमें इस तरह का ट्रिक है और इस तरह के कुछ एग्जांपल दिए गए जो आपको जीवन भर याद रहेंगे। सबसे पहले करूरस को पढ़ने के लिए हम सबसे सरल तीन सरल उदाहरण छोटा और स्पष्टीकरण को देखेंगे, ठीक है। इससे पहले इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं। तो देखो, इसका जो परिभाषा है बिल्कुल इजली होता है। विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में सुख, यानी कि जो करुण रस होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है? सुख होता है। स्थायी भाव सुख है नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है जिसे करुण रस कहते हैं। तो बिल्कुल ईजी है कि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में सुख नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है जिसे करुण रस कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब देखो इसके स्पष्टीकरण को देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव करुण रस का सुख है, इसमें आलंबन क्या है, ठीक है, यानी कि विनष्ट व्यक्ति या वस्तु। किस वजह से आपको दुख होता है? कोई विनष्ट हो या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आपसे खो गई, जैसे सोने की सामान हो गई, सोने की चैन हो गई, कुछ भी खो गई हो, उसके लिए आप आलंबन का काम करते हैं। उद्दीपन के इष्ट की विशेषता चिंता का वर्ण, जो भी चीज़ें खोई है उसकी विशेषता, ठीक है, आप जब कोई रोता है तो उसकी विशेषता को बताता है और चिंता का वर्णन करता है। और अनुभाव उसमें, यानी जो भाव क्या उत्पन्न हो रहा है इसके बाद, रुदन यानी रोने का, विलाप यानी बहुत ज़्यादा रो रो चिल्ला चिल्ला कर कहने का, व्याकुलता यानी अपने अंदर एक व्याकुलता उत्पन्न हो रही, और उसका जो संचारी भाव है स्मृति या चिंता। तो उस विशेष का लास्ट में क्या बचता है? अगर कोई चैन खो गई, अगर कोई आपका प्रिय चला गया, तो उसमें आपकी स्मृति रह जाती है और उसके साथ साथ आप उसका चिंता करते हो। तो ये इसका स्पष्टीकरण हो गया। ये बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि अगर आप इसको लिखते तो आपके अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद उदाहरण तीन हमने बताया आपको। तीनों उदाहरण को आप अगर देखेंगे तो आपको जो अच्छा लगेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा उदाहरण कौन सा सीता है। पहला उदाहरण, हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नहीं, यानी कि ये जब सीता जी खो जाती है तो ये कहते हैं प्रभु श्री राम जी, ठीक है। तो ये उदाहरण रहा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट उदाहरण भी है, मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये श्रवण कुमार का है। जब श्रवण कुमार पानी लेने जाते हैं और उन्हें तीर लग जाती है, तो उनके माता पिता द्वारा ये व्याकुलता व्यक्त की गई कि मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये उनका रहा। अब इसके बाद देखो ये उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। बिल्कुल इस सभी जो भी आप पढ़े हो एग्जांपल, इसके सभी में करुण है, जो कि हृदय वाली करुण है। तो ये सब चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए। बिल्कुल बहुत सरल ये एग्जांपल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।